उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य, ऊंची पर्वत चोटियों, पवित्र नदियों और पौराणिक मंदिरों के लिए पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। गांव दर्शन की इस कड़ी में आज हम अपने दर्शकों को ले चलेंगे उत्तरकाशी जिले के जखोल गांव। हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटा हुआ ये गांव सुपिन नदी की शांत घाटी में बसा है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन सोमेश्वर महादेव मंदिर के लिए भी जाना जाता है। रवाई घाटी की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को समेटे इस गांव का इतिहास पांडवों से जुड़ा है। देहरादून से जखोल की सड़क मार्ग से दूरी लगभग 230 किलोमीटर है। मसूरी की पहाड़ियों, टिहरी के नैन बाग, नौ गांव, उत्तरकाशी के पुरोला की मध्य हिमाली पहाड़ियों से गुजरते हुए मोरी नेटवार से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर जखोल पर्यटन की अपार संभावनाओं वाला गांव है। उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक में स्थित इस गांव की आबादी करीब 1600 है। दर्शकों, गांव दर्शन कार्यक्रम के तहत हम आ चुके हैं सीमांत जनपद उत्तरकाशी के मोरी विकास खंड के सबसे बड़े गांव जखोल में। सांस्कृतिक विशेषताओं को समेटे हुए यह गांव पर्यटन हब के रूप में विकसित हो रहा है। क्या खास इस गांव में, आपको ले चलता हूं जखोल गांव। देवभूमि को मातृशक्ति वाला राज्य कहा जाता है। यहां घर और बच्चों की देखभाल से लेकर खेत और जंगल तक की जिम्मेदारी महिलाएं निभाती हैं। गांव में पहुंचते ही वहां के स्थानीय लोगों द्वारा हमारी टीम का मिठास से भरा अभिनंदन हमें भाविभोर कर गया। अपनी मेहमान नवाजी के लिए रवाई का ये क्षेत्र ख्याति प्राप्त है। अभी हम जखोल गांव में गंगा सिंह राव जी के घर पे पहुंच चुके हैं। गंगा सिंह राव जी जखोल गांव के बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं। उनका व्यक्तित्व है कि लोग उनके पास आ चलते हैं। क्यों राव जी, आज आप हमें जखोल गांव का दर्शन कराने वाले हैं? जरूर आप आइए, स्वागत आपका भी, जो अन्य भी हमारे मीडिया वाले लोग हैं सबका स्वागत है। आपका स्वागत तो है खैर जखोल में ना, तो देरी किस बात की, चले घूमने चले पूरे गाँव में। बिल्कुल आइए। गांव में दाखिल होते ही सुबह सुबह महिलाएं घरों के कामकाज निपटाकर जंगल जाती हुई दिखी। जब वे जंगल से वापस लौटती हैं तो पीठ पर लदी घिलटें यानी घास की टोकरी घास पात और सूखी लकड़ियों से भर जाती है, तब इसका वजन भी बहुत होता है। जखोल की महिलाएं एकदम तैयार हो चुकी है और अर्ली मॉर्निंग अपने घास पात लकड़ी के लिए जाने के लिए तैयार है। मैं सीधे उनसे आपको मुखातिब कराता हूँ कि उनकी दिनचर्या कैसे चलती है। ला रातिया उठी लाकड़ी वाला नोईनी सोते रानी नी लाकड़ा नी नी घास आनी नी मोल गाड़ी नी कानो बोना नी दार कित्ते काम तो बिल्कुल इनको जल्दी हो रही है और सारी महिलाएं बिल्कुल जाने के लिए तैयार है। तो अभी आप कितना दूर जाएंगे? बहुत दूर। अच्छा, जंगल में। और फिर कितने देर में? जंगल से लकड़ी लानी, घर में खाना खाना है, सफाई कर दी, गोबर निकालने। नहीं, जंगल से गांव आने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगते, 2-3-4 घंटे पूरे। क्या बात है, ठीक है ठीक है ठीक। यहां घरों में जंगल से लाकर रखे गए सूखी लकड़ियों के ढेर देखे जा सकते हैं। पशुओं के चारे को तैयार करना भी बड़ी मशक्कत का काम है। जंगल से लाए गए चारे को साफ करना और सुखाना और फिर संभाल कर रखना, गांव के जीवन में ये जरूरी कार्य है। यहाँ का जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाला जीवन है। समुद्र तल से 2335 मीटर ऊंचाई पर स्थित जखोल गांव से पर्वत शिखरों पर बर्फ के नजारे देखे जा सकते हैं। गांव का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की विशिष्ट पर्वतीय शैली में बने लकड़ी के घर हैं। टोंस घाटी के इन पारंपरिक घरों की छतें ढालदार हैं। पहाड़ों पर अत्यधिक हिमपात होता है,
कोई भी सामान्य छत अपने ऊपर इतने भारी वजन को सह नहीं सकती, इसीलिए यहाँ ढालदार छतें बनाई जाती हैं। यहाँ हमारी मुलाकात लकड़ी के घर बनाने वाले पुश्तैनी कारीगर के साथ हुई। वे बताते हैं कि उन्होंने लकड़ी की 4 मंजिला इमारत भी बनाई है जो बेहद मजबूत और आकर्षक है। हमारे साथ जखोल गांव के शिल्पकार हैं और आपने देखा कि जखोल गांव में नक्काशीदार मकान है और पूरे मोरी ब्लॉक में नक्काशीदार मकान है और इन मकानों में जो नक्काशी करने वाले लोग हैं, इन भवनों को बनाने वाले जो कलाकार हैं हमारे साथ हैं, हम उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे कैसे बनाते हैं। ये कुठार नक्काशी सारी चीज़ें ये हमने बना रखी है, हमारे बाप दादाओं ने बनाए पहले से, हम इसी काम करते हैं। और ज़्यादा कमरे ये सारी लकड़ी का काम हम सारा कर चुके हैं, कर्म है, अब भी कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। और ये मंदिरों के काम भी करते हैं हम, नक्काशी वाले काम करते हैं, उकोर ढालते हैं, सारी चीज़ें हम सारा काम करने वाले हैं। और ये मकान 3-3, 4-4 मंजिल मकान बन रहे तो हम इनको 4-4 मंजिल के मकान को बना रहे, अंदर से दूसरे ढंग से बनती है, उसके अंदर तागे लगते हैं और तागे वाले मकान बनते हैं, अंदर जो अंदर की बार करना है ना, अंदर का पार्टीशन है वो दूसरे ढंग से बनता है, गुलाड़ी से बनाते हैं हम उसको, और रंधे वाला नहीं है वो कुल्हाड़ी से हाथ से बढ़िया बनेगा वो ना, तो उसको देख लेना चाहो कहीं बने होंगे ना, तो ये गांव में हमने बना रखे हैं, सारे गांव में बन चुके हैं। जखोल गांव आसपास के 22 गाँव का केंद्र है। इन गाँव के लोग यहाँ सोमेश्वर देवता की पूजा करते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सोमेश्वर इस क्षेत्र के लोक देवता के तौर पे भी पूजे जाते हैं। मंदिर के प्रांगण में लोग अपने त्योहार मनाते हैं। यहाँ लगने वाले ऐतिहासिक मेले भी बहुत प्रसिद्ध हैं। यह मंदिर पर्वतीय वास्तुकला और स्थानीय संस्कृति को दर्शाता है। मंदिर में देवदार की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है और इस पर खूबसूरत नकाशी उकेरी गई है। मंदिरों की दीवारों को भी नकाशी से सजाया गया है। मंदिर की छत सपाट और पतले पत्थरों से बनी है जिन्हें स्थानीय भाषा में पठाल कहा जाता है, जबकि मंदिर का द्वार काष्ठ से निर्मित है जिस पर सुंदर नकाशी की गई है। इस मंदिर में बैठकर दूर पर्वत चोटियों को निहारा जा सकता है। सबसे पहले मंदिर यहाँ स्थापित किया गया जब श्री रघुनाथ ने अपनी राजधानी घोषित किया होगा तो पूरे बाज गांव की राजधानी यही घोषित हुई और लोग मानते भी हैं। और जो महाराज है हमारे, उनका जो पोष के महीने में आवागमन यहीं, और सर्दी में महाराज यहीं आए कि जहाँ जिसका घर होता है वो सर्दी के लिए वहाँ स्थापित होते हैं। बाकी इनका भ्रमण 22 गाँव में चला रहे थे और 14 हमारे महाराज के मंदिर है और परिक्रमा चली रहती है। आपके अर्कदून बेली में आए हमारे मंदिर है, ऊपरी पंजगाई में हमारे मंदिर है, लेकिन सबसे पहला मंदिर यही माना जाता है, ऐसा पूर्वजों का कहना है और हमारी समिति भी रिकॉर्ड है और समिति के द्वारा पूरा मंदिर समिति द्वारा यहाँ कार्य भी चल रहा है। और इनके साथ ये बायकादेव मंदिर है सामने हमारे घर के पास, और एक जो वीर है जिस वीर के द्वारा यहाँ अंदर अभी 64-65 नग तांबे के बर्तन है, खूब बड़े बड़े, जिनमें कम से कम 100-150 लोगों का भोजन एक बार पकता है, वो भी हमने वहाँ से ला के स्टोर कर रखे हैं महाराज के पास। और मातृ देवी है सामने, बिनासु है, पार है, और रुंगा की मातृ है सामने, ये थाशिंगा की मातृयाँ है, तो इनके साथ जो देवी जो लोग है साक्षी स्वरूप है, जैसे भगवान शंकर की जटा में गंगा विस्थापित है वैसे इनकी जटाओं में भी मातृ देवी विस्थापित है सोमेश्वर महाराज के मथाबिंड में। जखोल गांव में लगने वाले मेले भी बेहद मशहूर हैं। यहां सोमेश्वर महादेव का देवगोत मेला, विशु मेला, नगदोण मेला, पूस का त्योहार समेत कई पारंपरिक मेले साल भर लगते हैं जिनमें स्थानीय गीत और नृत्य की परंपरा देखने को मिलती है। मंदिर के प्रांगण में ढोली समुदाय के लोग अपने वाद्य यंत्रों के साथ एकत्रित हुए। ढोल, बाणा, रणसिंघा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र देवताओं के आवाहन के लिए बजाए जाते हैं। गांव के लोग मानते हैं कि विशेष ढोंसा वाद्य यंत्र का संगीत सुनकर देवता आते हैं। आ,
रणसिंघा और भाणा आपने सुना है, और हमारे साथ एक खास प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसको धौंसा कहते हैं यहाँ में। तो हम सीधे राजीदास से पूछते हैं कि धौंसा के बारे में आप बताएं। धौंसा कैसे? धौंसा ऐसी चीज़ है कि इसके बिगर ना देवता जाता है, कहीं आगे धौंस चलेगी पीछे से देवता चलता है, ना शादियाँ होती है बिगर धौंस से, ना कई भी फंक्शन होते हैं बिगर धौंस से। धौंसा के बारे में तो ये है कि इसमें जो खाल लगती है बकरे की खाल लगती है, अन्य चीज़ की नहीं लगती है। और ये धौंस ऐसा बाजा है 22 गांव में कि फेमस बाजा है धौंसा। ये आप बनाते हैं खुद है इसको? बनाते हैं जी, खुद बनाते हैं। और ये खाल बकरी की अपने आप लगाते हैं, लकड़ी का यहीं बनता है, मिस्त्री लोग बनाते हैं और ये लकड़ी का साजन का बनता है। ये हमारे ऐतिहासिक बाजा है और इसमें हमारे कई दादाजी पीढ़िए गुजरी बजाते और देवता के साथ, और ये समीश्वर महादेव है कब से अस्थाई आई नुआ जखोल, और जो हमारे बुजुर्ग सारे जुड़े हुए इस समीश्वर महादेव के साथ। हमारा जो बाजा रिवाज ये विशु में उसमें पोष के महीने में जो आता है देवता आता है 14 दिन, हमको वहाँ दीपक जलाना है, रात को बजाना है, ड्यूटी देनी है। यहाँ जब देवता बाहर निकलता है तो मेला घनघोर मेला लगता है यहाँ 22 गाँव का, फिर देवता को घर में ले आ जाता है किसी के यहाँ। उस तब 12-13 दिन तक दीपक जलाए जाते हैं, पूजा होती है, अर्चना होती है। हम तो ये बजाने का काम हमारा जो है बचपन ही से हमारा, किसी का रणसिंह बजाने का काम है, किसी का धौंस बजाने का काम है, किसी का ढोल बजाने का काम है, और हम इस बाजे के पीछे जो है निर्भर है इस देवता के पीछे। पर आपका नाम क्या, आपने नाम? मेरा नाम शोभन दास है। शोभन दास जी, जी हमारा नाम शोभन दास है, और हमारी जो पीढ़ियाँ गई देवता इस बाजे के पीछे जो हमारे निर्भर है बाजा है। कोई तो रणसिंघा निर्भर है, कोई धौंस निर्भर है, इस ढोल निर्भर है, उस देवता के पीछे में निर्भर है। इससे पहले जो आपने बजाया और गाया वो क्या था? उसका नाम एक तो बजाया हमने, पहले तो बजाया हमने धौंस वाले बाजे का नाम है धजिया देना, जिसका धजिया कहते हैं कि धजिया देना बजना। फिर जो ढोल वाला बाजा बजता है उसका नाम है शब्द देना जी। कि किसी को बुलाना या भगाना है, हाँ ढोल का बाजे का। और जो रणसिंघा है ये कोई हमारे दूर के लोग हैं तो रणसिंघा से बुला भी सकते हैं, कोई भी बात होती है जी। और कपुआ जो हमारा है जो गाया अभी हमने जो गाया वो कपुआ है, उसका नाम कपुआ है। कपुआ का मतलब ये हो गया हमारा जो इस देवता का इतिहास है, जब झूलता है या इसको हम उतारते हैं जो झूलाते हैं देवता को, जब पुजारी जी बैठते हैं तब जब हम देवता को झूलाते हैं तो ये कपुआ को हमको जो इस देवता का इतिहास उठाना पड़ता है, फिर इसको झूलाना पड़ता है। दर्शकों, ये ढोली समुदाय के लोगों ने बोला कि वो कपुआ गाते हैं, और सोमेश्वर देवता की खास बात यह है कि जब तक कपुआ नहीं गाया जाएगा तब तक देवता झूलता नहीं है, देवता अवतरित नहीं होता है। और इन्होंने ढोल और धौंस और जो भाणा है उसको बजा करके बताया कि देवता इनके बिना अवतरित नहीं होता है। 22 गाँव में देवता की वृत्ति है, वैसे पूरे इस हिमालय रीजन में, पूरी जो यमुनोत्री की जो हिमालय रेंज है उसमें सोमेश्वर देवता, अलग अलग सैकड़ों देवताओं में गाँव में सोमेश्वर देवता रहता है। तो ये हमारे सोमेश्वर देवता की खास बात है। और आज हम जखोल गांव के प्रांगण में हैं और सोमेश्वर देवता के मंदिर में हैं, तो जखोल देवता की गाथा इन लोगों ने इस तरह से व्यक्त की है। Thank you.
जखोल गांव से दिखने वाले बेहद खूबसूरत प्राकृतिक नजारे, सुपीन वन रेंज, देवदार के जंगल इस जगह को विशिष्ट पहचान देते हैं। आध्यात्मिक पर्यटन, विंटर टूरिज्म के साथ साथ ये जगह ट्रैकिंग अभियान के लिए भी मशहूर है। यहाँ से सरू ताल और देवकयारा बुग्याल का ट्रैक साहसिक पर्यटन में रुचि रखने वाले लोगों को बहुत पसंद आता है। पर्यटन के साथ फिल्मों की शूटिंग के लिहाज से भी ये एक बेहतर जगह है। यहाँ कुछ फिल्मों की शूटिंग भी की जा चुकी है। पर्यटन मानचित्र पर यह गांव विशिष्ट स्थान बना रहा है। ये उत्तराखंड प्रदेश का सबसे सीमांत गांव है, जो जनपद उत्तरकाशी के विकासखंड मोरी के ग्राम पंचायत जखोल है, जो कि पूरे 22 गांव का न्याय पंचायत केंद्र बिंदु है। यहाँ पे जो है पर्यटन से संबंधित जो हमारा देवक्यार बुग्याल है, हमारा भराड़ सरताल है, हमारा लेका डांडा व्यू है, हमारा सरुताल हो गया, हमारा चरोटा टूप है, इन चीज़ों के लिए हम सरकार से कई बार निवेदन किया है कि यहाँ पे इन चीज़ों को माना पर्यटन की उसमें माना सर्वप्रथम इसको माना वरीयता दी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे यमुनोत्री गंगोत्री उसमें क्या नाम है यात्रा सीजन में जाने पड़ता है, तो हम चाह रहे कि अगर सरकार यहाँ पे माना हमारे जो टूरिज्म में इनको विकसित करे तो हम हमारे जो स्थानीय लोग हैं इन लोगों को वहाँ पे डंडे कंटेन डालने नहीं जाने पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे गाँव में जो है ये हमारे गांव की जो है जनसंख्या करीबन जो है 4-5 हज़ार के लगभग है, जहाँ पे 1,250 वोटर है, 2 पोलिंग स्टेशन है और वर्तमान में यहाँ 500 परिवार रहते हैं, जो कि माना प्लान भी नहीं हो रखे। और हमारे गांव में माना सुविधाओं से माना पोस्ट ऑफिस भी उपलब्ध है, और इस समय जो है माना हमारे पास जो है राजकीय इंटर कॉलेज भी है और हमारे पे जो हॉस्पिटल भी है, PSC वाली बिल्डिंग बन रही है। और इसके साथ साथ अन्य हमारे गांव में जो भी कुछ माना काम आदि सब कुछ है माना अपने उसके गांव की ओर से माना ठीक है। तो मैं सरकार से माना ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे क्षेत्र में माना जैसा संस्कृति है, संस्कृति के लगा लो कि हमारे गांव में सर्वप्रथम ये भाग्यानी वो का माना यहाँ पे शूटिंग की गई थी, उसके बाद फिर धारा 370 हो गए, छल कपट हो गए और उसके बाद कई यहाँ पे माना ये पिक्चरों की शूटिंग की गई है। और आज जो है हमारा गांव जो है माना उत्तराखंड में कहीं भी आप माना नेट पे या यूट्यूब पे देखें फिल्म सिटी के नाम से जाना जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि जैसे आपके माध्यम से इस गांव को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, ताकि हमारे यहां जो है जैसा भी विंटर वाला चलता है, इसके बाद जब बर्फ़ पड़ती है तो यहां पे पर्यटक लोग आते तो सांकरी भी आते, केदारकांटा जाते तो हमारे लेका डांडा वहाँ भी जाएँ, क्योंकि फिर यहाँ अगर यहाँ टूरिस्ट आएगा तो विंटर में तो यहाँ पर ऐसा है कि लोगों को जैसे हमारे जो हमारे यहाँ स्थानीय काश्तकार लोग है तो उनके जैसे मन अपने मकान बना रखे, किसी को होम स्टे है तो लोग जो उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा। हिमालय की गोद में बसा ये छोटा सा गांव प्रधानमंत्री अटल आदर्श गांव के लिए भी चयनित हुआ। बिजली पानी की बेहतर सुविधा, विद्यालय जैसे सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। इसीलिए गांव के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर्यटन को और बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट की के हिसाब से देखा जाए तो जखोल 22 गांव का एक मुख्य स्थान है, केंद्र बिंदु है, और यहां पर जो मूलभूत सुविधाएं होती है जैसे बिजली पानी और क्या कहते हैं स्वास्थ्य और डेवलपमेंट से संबंधित प्रत्येक चीज़ अच्छी प्रकार से है। इससे पहले हमारा गांव प्रधानमंत्री अटल आदर्श गांव था, और अभी जो यहां पे डेवलपमेंट में देखा जाए तो यहां पर बाकी तो सब चीज़ ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो हमारी रोडें हैं, रोडों की स्थिति इस समय ठीक नहीं है। पर्यटन की दृष्टि से देश विदेश से यहाँ पर पर्यटन वर्ष भर आते रहते हैं और यहाँ पर पूरे वर्ष भर मेले होते रहते हैं, और 22 गांव का जो प्रथम मेला स्टार्ट होता है यहाँ पे तो यहाँ जखोल से ही स्टार्ट होता है, जिसे देवगोत के नाम से कहते हैं, और उसके बाद यहाँ पर बैसाख का मेला होता है, जिसे बैसाखी का मेला है, उसके बाद यहाँ पर सावन का मेला होता है, उसके बाद यहाँ पर नगदून की जातर जिसे कामटे का मेला भी कहते हैं वो भी होता है, और उसके बाद अंतिम में यहाँ पर जो मुख्य होता है यहाँ पोष के त्यौहार जिसे मगोज भी कहते हैं और पोष के त्यौहार भी कहते हैं, वो पूरे 15 दिन तक यहाँ पर मनाए जाते हैं और सब लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। सर्दी के दिनों में कमरों के भीतर की ठंड से बचने के लिए बच्चे विद्यालय के प्रांगण में पढ़ाई कर रहे थे। 345 बच्चों वाले इस विद्यालय में पठन पाठन को और बेहतर बनाने के लिए
यहाँ के शिक्षक कुछ जरूरी मांग भी करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ये चूँकि समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पे 2200 मीटर ऊंचाई पे, तो ठंडा है आजकल, बहुत ठंडा है, और बच्चों को अगर अंदर बैठाएं तो बड़ी दिक्कत हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, अधिकतर बच्चों को जो है खांसी और जुखाम हो रहा है, इसलिए बच्चे अभी धूप में बैठाने पड़ते हैं। दिसंबर का महीना बहुत ठंडा होता है यहाँ पर। बच्चे यहाँ काफ़ी है सर, ये एक मुख्य 22 गाँव का मुख्यालय है जखोल, और यहाँ पर हमारे यहाँ करीबन 450 के आसपास बच्चे हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है कि टीचर थोड़े से हमारे पास कम है सर, जैसे जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं फिजिक्स में नहीं है टीचर यहाँ सर, और LT इंग्लिश में टीचर नहीं है, और जीव विज्ञान में टीचर नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि हमारे पास जो लोग LT में है वो लेक्चरर का काम भी कर रहे हैं, और एक आधा जो गेस्ट हमारे पास, ज़्यादा गेस्ट है हमारे यहाँ, रेगुलर टीचर 8 है यहाँ पर, अगर थोड़ी सी संख्या बढ़ जाती तो शायद यहाँ बहुत ही बढ़िया होता। दूसरी चीज़ सर ये कि बिल्डिंग भी बन रही है यहाँ पर, अभी हम देख रहे हैं कई समय से वो बिल्डिंग में कुछ काम ही नहीं हुआ सर, तो बस हम ये चाहते हैं कि अगर थोड़े से यहाँ वो बिल्डिंग बन जाती और टीचर पूरे हो जाते, पूरे ना भी सही, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं उनके अगर हमारे पास अध्यापक आ जाते तो काफ़ी अच्छा हो जाना था। ये गाँव अब भी अपनी परंपरा और संस्कृति को समेटे हुए है। यहाँ के लोगों के लिबास, रहन सहन, खान पान का तरीका अब भी पारंपरिक ही है। गांव में हमें कुछ बुनकर परिवार मिले जो सर्दी के दिनों में पहनने जाने वाले गर्म ऊनी कोट, मफलर समेत अन्य पारंपरिक परिधान बनाते हैं। वे चाहते हैं कि उनके इस हुनर को पहचान के साथ साथ बाजार मिले, क्योंकि इससे इनकी रोजी रोटी भी जुड़ी है। ऊनी वस्त्र के बुनाई करने वाले लोग जखोल गांव में मौजूद हैं, और इन लोगों का पुश्तैनी व्यवसाय भी यही है। हम सीधे उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि आपकी दिनचर्या, आपका व्यवसाय, आपकी आमदनी और आपकी आजीविका इससे कितनी चलती है। दीदी आपका क्या नाम है? पालदेवी। पालदेवी, ये क्या बना रहे हैं आप? ये बना रहे हैं पचौड़ी। पचौड़ी, अच्छा, और क्या क्या बनाते हैं? मफलर बना रहे, पचौड़ी बना रहे, और भिंडी बना रहे, और पाजी बना रहे। और ये जो आपने पहन रखा ये क्या है? ये पाजी हो। ये भी यहीं बनाएगा? ये यहीं बनाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपकी भेड़ें कितनी है? भेड़ कितनी है आगे? भेड़, भेड़, भेड़ा, हाँ भेड़ा हो गए 43-40 हो गए। अच्छा अच्छा, हाँ। तो उसकी ऊन निकाल करके? हाँ, ऊन निकाल के फिर बना, फिर धोने पड़ रहेगे, तब काटने पड़ेगे, अब बुनाई करेंगे। अच्छा, तब बुनाई खुद ही करेंगे? खुद बुनाई खुद करेंगे। अच्छा, ये पूरी डिजाइन आपने बना रखी? ये वाली डिजाइन? हाँ, पूरी ये पूरी डिजाइन। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब ये बेचते कहाँ है इसको आप? बेचते कहाँ का पड़ेगी, नहीं गाँव में और कहाँ बेचते। अच्छा अच्छा, तो खूब बिकता है? हम बेचते हैं का खूब। अच्छा अच्छा, कितने में बिकता है एक भिंडी? 3000 की होता भिंडी। हाँ, ये वाली 3000? ये वाली हो 3000 की। अच्छा, और जो मफलर है, जैसे ये वाला मफलर है, ये भी आप ही लोगों ने बनाया होगा? मैं बना। ये वाला कितने का है? इसको दाम 2000 को बेचेंगे। 2000 को बेचेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छा लगता है ये काम? अच्छा तो लगता है, जो आप बिजनेस होता अच्छा तो लगता। कहाँ सीखा आपने ये? कहाँ सीखा? कहाँ सीखे? सीखेंगे तब सीखेंगे, जो आपको बिजनेस चाहता हम, जैसे बिजनेस करते चाहता हम। अपने आप सीखा? अपने आप सीखा, जो बिजनेस करता हम तब सीखा इस बिजनेस। ये हमारा दादा पर दादा से हम काम कर रहे हैं। पहले मेरे दादा ने किया जी। फिर तो मेरे बाप ने किया जी। फिर तब अब हम कर रहे हैं जी। ये कभी मफलर भी, बना रहे हैं, जो आपको पहना हुआ जी। ये चोल्टी बना रहे जी। और जो बाहर से आस कोटी भी बना रहे जी। जो भाई साहब के पास कोट है इसको भी बना रहे जी। ये हम काम कर रहे हैं। समस्या क्या आती है आप लोगों की? समस्या ये आती है, जो हम किसी का बनाते हैं वो कभी तो लेने के लिए नहीं आता, कभी जो पैसा नहीं देता, इसी के लिए समस्या होती है। इसी के लिए हमने ये काम भी हल्का फुल्का कर रखा। ये कोई देगा तो उसको बनाएंगे, नहीं देगा तो कोई जरूरत नहीं, नहीं बनाना। तो क्या चाहिए आपको, मतलब कि जो ये काम अच्छा चले? हमको ये चाहिए थे, जो हम बनाए वो कोई ले जाता तुरंत ही, तो हम बनाते रहते। अच्छा, अब कोई आ रहा कोई आ ही नहीं रहा। अच्छा, तो बाजार की समस्या है? बाजार की समस्या, कम बिकता है? कम बिकता, बिकता तो था पर बाजार में लेते भी नहीं, कह रहे महंगा है, कौन ले जाएगा इसको, ये सो। अच्छा, हम बाजार लेते नहीं, हम गांव गांव में घुमाते हैं, अपने एरिया में गांव में। अच्छा, गांव में लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं बिकता है? ना ज़्यादा नहीं बिकता, पर हल्का फुल्का, जिनके जो जिनका दिल होगा वो लेंगे, जिनका दिल नहीं होगा उनका बस का नहीं है लेना, तो वो कहेंगे यार इतना महंगा कौन ले जाए। तो आपका खर्चा पर्चा चल जाता है इसमें? हाँ, थोड़ा खर्च पर्च निकल जाता है, अपना
चाय पानी का, ये थोड़ा राशन पानी का निकल जाता है वाल का फुल का। यदि ये खूब बिके तो कैसा लगेगा आपको? तब तो ठीक बन जाता, फिर परिवार भी पल जाता। सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे मोहरी नेटवर्क जो कोल सांकरी मोटर मार्ग है, इसकी बहुत ही दुर्दशा हो रही है। क्योंकि ऐसा कि अगर हमारे रोड अगर सही होगा, पक्का होगा, तो हम लोगों को जैसा हमारा जो नकदी फसल है, जैसा सेब है, आलू है, हमारा राजमा, तो क्या होगा उसका भाड़ा हम लोगों को कम पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा जो मेन व्यवसाय यहाँ के काश्तकार लोगों का, हमारे पास राजमा होता है, चावल आय होता है, मंडुआ होता है, उसके बाद राजमा होती छिमी बोलते हैं ना, जिसके लिए माना हमने कई बार लोगों को, माना कई बार सरकार से हमने निवेदन किया कि जो हमारे जो राजमा है इसको जैसा हर्सिल की राजमा उसी तर्ज पे इसको जो है माना किया जाए बाहर, ताकि माना इसका हमें उचित दाम मिले। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जैसा माना भेड़ बकरी का भी लोगों के पास भेड़ बकरी भी लोगों ने रखी है। अभी माना सर्दियों में हमारे यहाँ भेड़ बकरी जो पहले तो यहीं पर रखते थे, माना पत्ती पुत्ती काटते थे, अब कुछ लोग जो माना मसूरी ले आते हैं, और गर्मियों में हमारे यहाँ देवक्यार बुग्यालों में जाती चूंगने के लिए ना, जिससे माना कुछ लोग हमारे ऐसे जो अपनी भेड़ बकरी पालते हैं, फिर उससे अपना ऊन काटते हैं, ऊन जो उसको काट के माना उसको कताई करके उसके बाद अपनी बिंडी बांडी बनाते हैं। तो हमारे यहाँ जो बुनकर भाई लोग हैं तो उनसे बुनवाते हैं, तो कुछ बिंडी हम लोग माना अपने लिए यूज करते हैं, कुछ अपना बाहर भी बेचते हैं। पर्यटन के साथ साथ जखोल गाँव की पहचान यहाँ की विशिष्ट राजमा से भी है। गाँव की महिलाएं खेतों से निकाल कर लाई गई राजमा की उपज को साफ कर सुखा कर तैयार कर रही है। उत्तरकाशी के हर्षिल की राजमा मशहूर है, लेकिन जखोल गांव की राजमा भी उतनी ही शानदार और स्वाद में लजीज है। हालांकि गांव के विशिष्ट उत्पाद के तौर पर इसे राज्य स्तर पर पहचान दिलाना बाकी है। गांव की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं चाहती हैं कि राजमा, चौलाई, मंडुआ जैसे उनके पर्वतीय अनाजों को पहचान मिले, बाजार मिले, ताकि गांव की आर्थिकी मजबूत हो। गांव में दिन भर की सैर के बाद यहां के विशिष्ट पकवानों की बात भी जरूरी है। भीतर चूल्हे पर पक रहे सिरे की खुशबू दूर से महसूस की जा सकती है, और इसके साथ फाफड़ा की रोटी, ये यहां का विशेष स्थानीय व्यंजन है। लेकिन इन सबसे पहले महिलाओं ने लोकगीत सुनाए, पारंपरिक पकवान पारंपरिक गीतों के साथ। तुम्हारे मुल्क क्या लानो लांद, तुम्हारे मुल्क क्या कानो कांद, तुम्हारे मुल्क क्या लानो कांद, बेटा ये पापरे की पोली बिरज बेटाए उना की चोली, कान पापरे की पोल बिरज बेटाए उना की चो, तुम्हारे मुल्क क्या कानो कान, तुम्हारे मुल्क क्या लानो लांद, चलो सागरियों को पानी पी डांडी कांडियों की टांडी आवा, चलो सागरियों को पानी पी डांडी कांडियों की टांडी आवा, तुम्हारे मुल्क क्या रीति वाजा, तुम्हारे मुल्क क्या रीति रिवाजा, तुम्हारे मुल्क क्या रीति रिवाजा, तुम्हारे मुल्क क्या रीति रिवाजा, ना भूली बारो नंडाई कुंजे
सके तुम पत्रकार ये सजना तुम्हें कुंजे दिशा के कि तुम दर दून के आई गाड़ा को पड़े से उलारो ये पत्रकारो तुम विचार बोले अभी हम जखोल गांव की महिलाओं के साथ हैं और महिलाओं ने अभी बहुत अच्छा पकवान बनाया जिसके बारे में वो खुद ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने लोकगीत भी गाया। यहाँ का सबसे बहुत ही प्रिय गीत छोड़े भी इन्होंने गाए और मैं सीधे उनसे मुखातिब होता हूँ और जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या बनाया है और भी क्या क्या भोजन वो बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि अभी आपने ये जो बनाया ये क्या सर, है सर? मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सर। ये फाफड़े की पोली, ये फाफड़े की पोली बनाते हैं सर। ये क्या होता है कि इसको हम भादों में बीजते, बीजते तो पहले पर भादों में आ जाता है, पर ये कठिन हुआ है सर। आ जाता है बालू का प्रिय भोजन भी, ये बालू ले जाते इसको, फिर थोड़ा बहुत करते सर, फिर इसको हम लाते घरों में, फिर पैरों से इसको मिला करते ना सर, तो इसके दाने आ जाते सर, काले दाने होते हैं। फिर इसको हम बड़ी बड़ी सिलो गठा में इसको सर हम पीसते, फिर इसको सर कटिन उससे पहले ओढ़ने पड़ता है सर, गूंदने पड़ता है, फिर इसको थोड़ी देर रहने पड़ता है, इसके साथ थोड़ा उसके आटा भी डालते हैं सर हम, गेहूँ का आटा, फिर तब जाके बनाते हैं सर। तो कोई इसको जैसे हमारी बड़ी बड़ी महिलाएँ सर ये बना सकती है, हम की महिलाएँ सर हमको थोड़ा बनाने नहीं आता है, पर इसमें बताया सर डॉक्टरों ने हमें बताया कि जैसे शुगर बीमारी, थायराइड जैसी बीमारी उसको ना सर कंट्रोल करता है, तना कंट्रोल करता है सर, क्योंकि खुद मुझे डॉक्टर ने बताया कि यदि तुम फाफड़े की पोली खाएंगे तो शुगर, थायराइड, पेट फूलना ये कंट्रोल करता है, ये मोटा लाना मोटा खाना होता है। धन्यवाद सर। बहुत सारी महिलाएं और महिलाएं ये और सारी चीज़ें बनाएगी, तो मैं दूसरी बहन से पूछना चाहता हूँ कि इसके अलावा आप क्या क्या बनाते हैं दीदी? इसके अलावा साहब हम ऐसे करते हैं, कभी हम बोलते ना आटा पीसते हैं, चावल मशीन में चावल पीसते तो उसको गूंथते गुड़ के साथ, तब अंदर बंगजरी डालते, तो हम उसको साफ सीढ़े बढ़ाते, तो ऊपर हमारा त्यौहार होता है उसके बाद, हाँ सीढ़े बढ़ाते साहब, दो दो कट्टे कर से पतीले में बनाते उनको, तब खा लेते घी और मोह के साथ, शहद के साथ। हमारे साथ दूसरी बहन जुड़ी हुई है, कुछ कहना चाहती है कि आप दूसरा पकवान आप क्या बनाना जानते हैं? चावल को भिगाते सर, फिर उसको कूटते, फिर उसका आटा बनाएंगे, फिर उसको भिगाएंगे, तब उसको ऐसे गूंदेंगे, फिर उसके पास ऐसे बनाएंगे शाकोली, शाकोली भाप से पकती हो, भाप से, भाप से, अच्छा, और उसको पतली सी बनाते, उसको जैसे पत्ते बनते पतली, मतलब तेल के साथ उसको चिप्स भी बोलते उनको, देशी भाषा में उनको चिप्स बोलते, अपने भाषा में हम शाकोली बोलते। इसके बाद क्या करना चाहिए कि जो आपकी जो सुविधाएं हैं सुविधाएं और बढ़ जाए, क्या करना चाहिए? बोलिए सर कि मैं सर ऐसा है ना, जैसे बगीचा जैसी सुविधा जी सर, जैसे हमारे यहाँ फाफड़ा होता है, राजमा होती, चौलाई मंडुआ, तो इसका सर कोई वो करती, जैसे हमने महिलाओं ने समूह बना रखे सर, तो समूह द्वारा सर कोई आगे ले जाते सर, इसकी जैसी मंडी आदि खुलती सर, तो हमारा जैसे 20 रुपये किलो तो कोई 40 रुपये किलो चले जाता, तो इसमें एक क्या थोड़ा महिलाओं को राहत मिल जाती। अब जैसे बागवान करे बगीचे बना रहे सर, तो उतना काम नहीं पड़ता है, क्योंकि बगीचे सारे की जगह की जगह होते सर, तो ये सर नहीं तो इधर ना महिलाओं का बहुत कठिन जीवन है सर। तो अब जैसे सर हमने समूह बना रखे ना, तो आगे से हमारा सरकार भी थोड़ा बहुत फायदा कर रही सर, तो हम कह रहे कि जैसे हम ये तो हमारे यहाँ होता है सर, मंडुआ होता है, चौलाई होती है, फाफड़ा होता है, जानती भी सर, तो हमें क्या होता है कि कोई नीचे से सर सिखाने वाला आ जाए, कोई हमारे को सर ट्रेनिंग दे, तो अब हमारे यहाँ ना सब कुछ होता है सर, जड़ी बूटी, चोरा, फाफड़ा, महिलाएँ, तो हमारे को जरूरत है सर कोई नीचे से हमारे को
बस इकाई संस्था द्वारा ये या कोई सरकार द्वारा ये या कोई, ताकि सर हमें जानकारी हो ताकि हम अपने घरों में बना सके। जो सावन का महीना होता है ना हमारा, उस समय हमारे नौ दूना आ रहे, इतने इतने बड़े दाने, इतने इतने छोटे दाने, तो हम महिला जा रहे ना जंगल को, तो जंगल को हम उसको खोदते, एक एक कंडी बन के बना के हम घर लाते उनको, और घर में जो कुछ तो बनाते हैं हम लोल, ऐसी बनती है लोल, जो पहले तो कूटते हैं उसको, फिर पकाते हैं, फिर उसमें मट्ठा और ये गेहूँ का आटा डालते, उसको लोल बोलते, और जो गांड बनाते हैं हम वो साफ कर से और सिलबट्टा के ऊपर घिसते हम, और अपने आप भी खा रहे और औरों को भी खिलाते, कोई मेहमान आ रहे हमारे आना तो वो भी खा रहे। हाँ मैं ये नगदून के बारे वही बात बता रही हूँ। हाँ मेला भी लगता है, मेला बहुत बड़ा मेला, पूरा आठ गांव का मेला, और पूरे गांव की महिला और मेहमान हमारे रहनी दिहाड़ी सब इकट्ठी हो जाते मंदिर के पास, फिर नवधून के मेले में, और जो झाड़ी है ना तो झाड़ी लाते जवान जवान बच्चा है ना लड़का लड़के, वो झाड़ी लाते, झाड़ी का एक देवता बनाते बहुत बड़ा देवता, उसके यहाँ देवता के पास कपड़ा लगाते, पुतली लगाते, रास लगाते, डाकी बजाते, सब कुछ कार्य चलता है नगदून के मेले में। आपने अभी महिलाओं को सुना कि यहाँ की जो महिलाओं का जो दिनचर्या है बहुत बिजी है, लेकिन यहाँ पे जो पकवान है, यहाँ का जो भोजन है बहुत ही स्वादिष्ट है, यहाँ का फाफड़ा, यहाँ का रामदाना, यहाँ के मोटे अनाज बाज़ार में नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो इसकी ये सुविधा चाहते हैं कि बाज़ार में मोटा अनाज पहुँचे और महिलाओं का स्वरोजगार पैदा हो। हिमालय की गोद में बसा ये गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य, बेहतरीन ट्रैक, वन्य जीव, पहाड़ी संस्कृति और मेहनतकश पहाड़ी जीवन को समझने और महसूस करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। तो राव जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद आप लोगों, और आपने बहुत अच्छा जखोल गांव का दर्शन हम लोगों से करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, गांव दर्शन कार्यक्रम के तहत यह था मोरी विकास खंड का सीमांत गांव जखोल। अगली कड़ी में हम आपको ऐसे ही किसी दूसरे गांव में साथ लेके चलेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।